आगे कौन है देखो द विनर 2022 का सबसे हमारा जगह का विनर है। तुम्हें तो इतना खुश हूँ मतलब तो हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सबसे आगे तो गाइस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको मेरे दिल से गाइस। और मेरे को बहुत लेट हो रहा है क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह अभी टाइम हो रहा है 6:30 बुलाया था मेरे को मैराथन रेस में और अभी टाइम हो रहा है 6:30 लिटरली गाइस। रात को मैंने कॉल किया वो आ रहा होगा शायद। सो अभी मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट भूटान गेट के सामने जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है रेस। बहुत खराब है हालत, मेरा नींद भी आ रहा है। एनीवे गाइस भूटान गेट पे मिलते हैं कैमरामैन के साथ, ठीक है। तो यहाँ जो पापा जी है जो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है पापा जी ने, अंडा और चावल। तो है गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं भूटान गेट की तरफ। कैमरामैन है मेरे साथ, रतन भाई को भी बुलाया था वो आ रहा है लेकिन वो मेरा घर पे आ रहा है, ठीक है। लेट होने की वजह से मैं भूटान गेट जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने कहा है कि मेरे पापा को कि अगर रतन आए तो बोल देना कि भूटान गेट पे आने के लिए डायरेक्ट। सो अभी हम लोग भूटान गेट की तरफ जा रहे हैं। रतन होता तो थोड़ा मदद हो जाता क्योंकि वो ब्लॉग बना लेता और मैं रेस कर लेता, ठीक है। लेकिन बहुत खतरनाक लेट हो रहा है। ओए अरे ये देखो मेरा साइकिल लेके जा रहा है, चला के जाना लेट हो रहा है, जल्दी चल आ जा बंजू बैठ 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 चल बैठ। सो अभी यहाँ पे मेरा साइकिल लेके जा रहा है, चल। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं भूटान गेट की तरफ, साले चल के जा रहा था, चल चल। इतना खतरनाक भसर हुआ है ना क्या क्या ही बोलूं, मतलब मेरे को लगा कि 8 बजे स्टार्ट होगा लेकिन इतना जल्दी होगा नहीं पता था। तो जिसने भी ऑर्गेनाइज किया था ना उसने मेरे को इतना बार कॉल किया ना गाइस क्या ही बोलूं मैं। ये देखो मेरा साइकिल यही है, ठीक है, इस पे मैं रेस करने वाला हूँ, इस पे जल्दी चल जल्दी चल। ये लेट हो गया गाइस, सब दिन आगे निकल चुका है, ये खाली पीछे रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, चला 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 जा रहे जा रहे चला चला आगे चला। चला 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 स्पीड चला स्पीड चला स्पीड में चुके बड़ा क्या बड़ा मैं आने से आगे स्टार्ट हो गया था रेस, 5 मिनट आगे गाइस, इसलिए मैं सबसे लास्ट में हूँ। पेट दर्द कर रही है, कर रहा था खत्म हो चुका है रेस, अभी भी ये खेल रहा है, पता नहीं क्यों खेल रहा है ये। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मैं जब आया था 10 मिनट आगे स्टार्ट हो गया था मैच, ठीक है, फिर भी कोई संग 28 पे आया ना भैया, 28 पे आ गया मैं। यहाँ पे देखो ये इसे गद्दार पे कभी भरोसा मत करे, इसे गद्दार पे टाइमिंग का कोई वैल्यू नहीं है, टाइमिंग पे हम कॉल किया ये नहीं आया, ये मेरा गलती नहीं है, दो बार चार बार उसको तो कॉल करना चाहिए था ना उसको। लेकिन कंप्लीट किया रेस, कंप्लीट किया ना, कैसा लगा? और इतने छोटे उम्र में तुम साइकिलिंग कर रहे हो, पता नहीं गाइस ये कितने नंबर पे आया है, पर भगवान इसको जोड़कर बड़ा आशीष दे इसको। तो गाइस यहां पे हेलमेट वगैरह देखो, ये भाई ने हेलमेट पहना है स्कूटी का, और यहां पे देखो ये बाइक का हेलमेट पहन के किसका है और जो फंसाया वो बंदा क्या करता है, कितना किलोमीटर जाता है सैटरडे सिलीगुड़ी जाता है और संडे वापस आता है। जो फास्ट हुआ वो बंदा ना इंटरनेशनल प्लेयर है। हाँ इंटरनेशनल होगा, मतलब सिलीगुड़ी कितना किलोमीटर है, 130 किलोमीटर, मतलब गाड़ी पे हम लोग को 4 घंटा लगता है। यहाँ पे साइकिल वगैरह हम लोग का सब, और ये जो मेरा भाई है 6th पोजिशन पे आया है, मैं खुश हूँ, मैं कुछ नहीं हुआ तो भाई हुआ, 4th पोजिशन हुआ है गाइस, वेल डन। दिलाया था लेकिन क्या हुआ, 28 इसको भी हरा दिया मैंने, 10 मिनट पीछे आया था मैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड की तरफ जहाँ पे जो पोजीशन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन 10 तक जो आया है उसको प्राइस मिलेगा मेडल वगैरह। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, 6 बजे उठा था लेकिन मैं जानबूझ के मैंने लेट किया क्योंकि पिछली बार जो है लेट स्टार्ट हुआ था लेकिन इस बार पता नहीं क्यों जल्दी कर दिया। रतन भाई को भी वेट किया था नहीं आया, तो मैं खुद का स्कूटी लेके मैं पहुंच गया और
जैसे पहुंचा सुना कि वहाँ पे 10 मिनट आगे चला गया जो बंदे लोग है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ये मंदिर है ठीक है। सो फिर भी मैं 28 पे आया गाइस 40 बंदे में, क्या ही बोलूं मैं तो इतना खुश हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ मैं। ये सीधा का जो ये वॉल है ना वॉल, इससे इधर भूटान है ठीक है, हम लोग नहीं जा सकते, इससे इधर इंडिया है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अभी वहाँ पे मंच है, यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर तक रहेंगे, देखेंगे किस किस को क्या मिला है, कौन कौन कितना पोजीशन पे आया है ठीक है। तो आज हम लोग का जिम पे जो है गाइस पंजा लहराने का कॉम्पिटिशन भी है, ये और मैंने पार्टिसिपेट किया है दोनों ने, देखेंगे कौन किसका नाम पे होगा। लेकिन जिम पे जो है बहुत खतरनाक, मतलब जो बॉडी बिल्डर लोग है उससे हाँ जीतेगा, देखता अभी तेरे को हराऊंगा ना, फिर इधर मोटिवेशन तेरा खत्म कर दूंगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि नदी भी है यहाँ सामने, वहाँ पे है ग्राउंड, तो यहाँ पे देखो सीधा वहाँ पे वो उसके उधर भूटान है, और वहाँ पे देखो इंडियन आर्मी और फ्लैग होस्टिंग करने वाला है, और यहाँ पे नदी पे हम लोग नहाने के लिए आए थे, लेकिन नदी देखो ऐसा है, फ्लैग होस्टिंग इंडिया स्वतंत्रता दिवस होते से है ना, वहाँ पे जाते हैं चलो, फ्लैग होस्टिंग हो रहा है। और वहाँ पे बंदे लोग भी आ चुका है मेरे दोस्त लोग, और यहाँ पे देखो आगे यही है भूटान बॉर्डर, और ये है इंडिया जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होने जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा, और यहाँ पे देखो बच्चे लोग कितना आराम से खेल रहा है। ये हम लोग का जयगांव जहाँ पे मतलब सब कुछ बहुत सुंदर है, देखो आगे का पहाड़ वगैरह, ये इंडिया का पहाड़ है, और आज इंडिपेंडेंस डे है, सो मैं बहुत खुश हूँ, आप सबको फिर से एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत देखा है गड़बड़ कर क्या था, हम उत्तराखंड नेपाल उत्तराखंड तो अभी यहाँ पे शायद फ्लैग होस्टिंग होगा, और यहाँ पे सबको लाइन पे लगा रहा है सर जी, चलो फोटो बनानी है वो इधर आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, जो फोटो खींचने वाला है वो इधर आ जाओ। हम लोग लगभग 8:30 आए थे, और अभी 9 के भी ज्यादा हो चुका है। सो मैंने पूछा कि सर जी को कि कितना कब होगा फ्लैग होस्टिंग, तो सर जी ने कहा था कि बाहर से बड़े साहब जी आ रहे हैं, सो अभी फाइनली आ चुका है, दिखाता हूँ कौन आया है बड़े साहब जी वहाँ पे देखो। तो यहाँ पे अभी सब लोग को मिलेगा, लाइन पे बैठो, लाइन पे लाइन पे लाइन पे। तो फ्लैग होस्टिंग भी कर लिया गाइस, सुबह सुबह 6 उठकर मैं रेसिंग पे गया, मेरे को लगा कि आज का दिन खराब गया, लेकिन ये देखकर इतना खुश हो रहा हूँ ना मैं, इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे को, देखो बॉर्डर के सामने हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी सबको मिठाई वगैरह मिल रहा है वहाँ पे लाइन पे लगा है। तो गाइस ये मिला है पकोड़ा और मिठाई, अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, क्योंकि नहा धो के हम लोग को रेडी होना है, मेरा प्रमोशन वीडियो वगैरह भी है शायद करूंगा या फिर नहीं, चलो घर जाते हैं, सुबह सुबह आए थे ठीक है। तो गाइस फाइनली अभी फ्रेश तो नहीं हुआ हूँ, क्या बोलो इतना थक चुका हूँ ना, फ्रेश होने का ताकत भी नहीं है, सो थोड़ा बहुत मुँह हाथ धो लिया, अभी खाना खाऊंगा मैं ठीक है, और खाना खाने के बाद अभी मेरे को जिम भी जाना है, जिम में भी कंपटीशन है जो मैंने कहा है आप लोगों को प्रीवियस ब्लॉग में भी ठीक है, और जो मेरा सिस्टर है अभी गोपीमोहन ग्राउंड से आया है, जहाँ गोपीमोहन ग्राउंड जिसके बारे में आपको मैंने प्रीवियस ब्लॉग में भी बोला था कि जयगांव का बेस्ट ग्राउंड है, जहाँ पे बहुत बड़ा हम सेलिब्रेट होता है 15 अगस्त का ठीक है। हाँ तो कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे? बढ़िया एक्सपीरियंस था, मैंने वहाँ पे जाके व्लॉग करना जो डिसाइड किया था ना, वो डिसीजन बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि बहुत लोग अच्छा कितना 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 था, मुझे ऐसा लगा कि एक भाई भी जो मेरे बगल में था ना, वो खुद बोल रहा था कि
कि पूरा जयगांव का वासी लोग आ गए जैसा लग रहा था। नहीं मैंने देखा वीडियो पे बहुत सारा लोग, बहुत ज्यादा लोग, लेकिन सब एंजॉय करे सब। मतलब सब। ये क्यों ऐसा हुआ पता है? क्योंकि दो साल बाद गैप हुआ ना, तो उसके बाद मनाया जा रहा है, तो बहुत बढ़िया तरीके से मना रहे हैं। और मुझे तो क्या है, मैं तो थक हार के घर आया और खाना खाने वाला हूँ अभी। उसके बाद अगर हुआ तो मैं स्टूडियो जाऊँगा, स्टूडियो जाते समय दिखाऊंगा अगर हुआ तो, ठीक है? नहीं आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। हाँ हाँ आपके पास क्लिप है ना, वही क्लिप डाल के दिखाऊंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है? कितना भीड़ था, ठीक है? इतना भीड़ कभी नहीं देखा जिंदगी में, इतना मतलब यहाँ पर नहीं देखा ये जगह में। तो चुप क्यों कर रहे हैं? तो हाँ गाइस, खतरनाक, अभी कहाँ से घुस के मैं इधर आता। हाँ जी हाँ, तो आप जैसे देख सकते हो कि कितना भीड़ है गाइस, और यहाँ तो डांस खत्म नहीं होने वाला है, कंटिन्यूस डांस चल रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन मैं घर जाऊंगी क्योंकि हालत खराब है और भूख भी लग रहा है, तो लंच करने के लिए घर जाना पड़ेगा। खाना खाने के बाद नहा धो के रेडी हो चुका हूँ अभी मैं। सो अभी मैं निकल रहा हूँ डायरेक्ट जिम, ठीक है? जिम पे कंपटीशन है जो मैंने आपको कहा था। सो मैं जिम जा रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट। तो गाइस इतना खतरनाक धूप है ना बाहर, क्या ही बताऊँ। सो अभी मैं डायरेक्ट मिलता हूँ जिम पे, ठीक है? तो गाइस अभी हम लोग जिम पहुँच चुके हैं, जिम तैयारी हो रहा है शायद अंदर, है ना? तो गाइस स्टार्ट हो चुका है अभी, मैं तो सो गया था थोड़ी देर के लिए। ये कैमरा है भाई। तो अभी हम लोग का जो पंजा चैलेंज है होने वाला है, भाई के साथ होगा मेरे साथ। एनीवे सो अभी देखते हैं, ठीक है? स्टार्ट होने वाला है। तो ये भी जो ये सब रूल्स है, ठीक है आज का, तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे लोग रेडी है। तो अभी मेरा दोस्त का सबसे पहले हो रहा है, मैच दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो अभी मेरा टर्न है नेक्स्ट भाई के साथ है, चलो देखते हैं। तो गाइस मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना खतरनाक ओपनिंग को मैंने हारा है। मतलब अभी देखते हैं किसके साथ होगा नेक्स्ट मेरा, ठीक है? एक गलती के वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया बेचारा भैया, खुद ही ने हाथ उठाया था इसलिए। फाइनल 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 ठुलो भाई फाइनल। तो यहाँ पे अभी सबसे फाइनल होने जा रहे हैं। ये भाई को मन दिल नहीं भरा मेरे साथ फिर से खेलेगा बोल रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग का जो जिम का जो मैच था खत्म हो चुका है, मेरे दोस्त ने जीता, वो रनर अप हुआ, उसका खुशी भी मेरा खुशी, चलो क्या करते हैं ना, क्या करें, हार तो गया था फिर भी अभी सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। एनीवे कैमरामैन और मैं स्टूडियो की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? मेरा वीडियो अपलोड करना है यूट्यूब का, सो इसलिए। तो गाइस फाइनली हम लोग स्टूडियो पे पहुंच चुके हैं और अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और जो जिम पे था वो छोटा मोटा सिर्फ हम लोग के लिए, जो 15 अगस्त है उसका सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग ने रखा था। तो जीतने वाले को कप मिला, अंडा वगैरह मिला, जो मेरा दोस्त है जो रनर अप हुआ उसको भी अंडा वगैरह मिला। हाँ ठीक ही अच्छा है, आज का दिन जैसे भी गया बहुत ही अच्छा गया। मतलब साइकिल रेस में भी सुबह सुबह क्या हुआ, नहीं 15 से 10 मिनट लेट चला गया था, रेस स्टार्ट भी हो चुका था, फिर भी मैं 28 पोजिशन पे आया जबकि रेस स्टार्ट हो चुका था और लोग बहुत आगे भी पहुंच चुके थे, 10 मिनट आगे मेरे से थे, लेकिन फिर भी मैं 28 पोजिशन पे आया। फ्लैग वगैरह
पोस्टिंग किया। आप लोग को गोपी मन का जो क्लिप है, मैं गया तो नहीं लेकिन सुषमा जी ने जो रिकॉर्ड किया था वो मैंने दिखाया। अभी जिम में भी मजा आ गया हम लोग को। जिम में तो जीतने का चांस तो था लेकिन क्या करूँ, कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है दोस्तों के लिए, उसके पास ताकत भी है। वीडियो अपलोड हो रहा है नीचे, अपलोड होने के बाद उसके बाद मैं घर जाऊंगा, ठीक है गाइस। तो है गाइस, फाइनली मैं स्टूडियो से आ चुका हूँ। थोड़ी देर घूमने गया था दोस्तों के साथ क्योंकि आज 15 अगस्त था, तो थोड़ी देर मतलब इधर उधर एक राउंड चक्कर मार के आ गया हाईवे वगैरह पे घूम के। सो अभी घर पे हूँ, बहुत देर हो चुका है, 9 बज चुका है। सो अभी सबसे पहले तो खाना खाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप लोग से, ठीक है। और तो गाइस खाने में है चिकन और चावल, तो अभी मस्त खाते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे हाथ धोने आया था वैसे लाइन चला गया है। मेरे को जब खाना है तो लाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन भूख बहुत थी, खतरनाक भूख लगा है। तो क्या करें, अभी खाना ही पड़ेगा, खाने के बाद मिलते हैं गाइस, ठीक है। जैसे खाना खत्म हो गया लाइन भी आ गया। सो अभी वीडियो को यही पेंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज तो बहुत ही मतलब हर घर तिरंगा जो कैंपेन था इंडिया का, मतलब हम लोग का जयगांव पे भी देखने को मिला, मतलब हर गली हर जगह तिरंगा मतलब इंडिया का फ्लैग। सो मेरे को देख के भी अच्छा लगा, मुझसे जितना हो पाया आप लोग को दिखा दिया मैंने। तो एनीवे गाइस, कैसे लगा जो सेलिब्रेट किया हम लोग ने 15 अगस्त, प्लीज कमेंट पे बोल देना। आई होप कि आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइस। लव यू ऑल, बाय।